स्थाई की, मतलब झा, टू झा की बात करें, सदस्य से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो मेंबर है, मेंबर चाहे वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात कर रहे हो चाहे राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य की बात कर रहे हो, तो उसमें सदस्य है उनका और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष भी है मतलब सदस्य में से ही अध्यक्ष चुना जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल है और स्टेट बायो डायवर्सिटी बोर्ड है। 2J राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण विपरीत है। तो सेक्शन 8 में जिन्होंने डिफाइन कर रखा है नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण को, ट्रिब्यूनल को, उससे मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है, उन्होंने कहा सेक्शन 8 में हमने इसको डिफाइन किया है, उसके अंतर्गत वो आएगी। 2K भेद से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा भेद अभिप्रेत है। भेद मतलब प्रिस्क्राइब है, जो इसमें नियम बनाए गए हैं उन नियमों की बात की जाएगी, अन्यथा किसी और की बात नहीं की जाएगी। इसने कहा भेद से अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा भेद अभिप्रेत है। वहीं 2L है जो ठा है, टू ठा जिसको कहते हैं, विनियम से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं। इस मतलब विनियम से क्या मतलब है, जो इससे संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत विनियम बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है 2M जिसको कहते हैं टू डा, अनुसंधान शब्द है। अनुसंधान से किसी जैव संसाधन का अध्ययन या क्रमबद्ध अन्वेषण या उसका प्रौद्योगिकी उपयोजन अभिप्रेत है, जो जैव प्रणालियों, सब प्राण जीवों या किसी उपयोग के लिए उत्पादों को बनाने या उपांतरित करने या प्रक्रिया तय करने के लिए उनसे उत्पादियों का उपयोग करता है। मतलब यहाँ पे अनुसंधान की बात कर रहे हैं। अनुसंधान का मतलब होता है आविष्करण, खोज, रिसर्च, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, अन्वेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, जैव संसाधनों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो भी क्रमबद्ध तरीके से उनका अन्वेषण किया जाएगा और इसके साथ उसका प्रौद्योगिकी उपयोजन, हमारे उद्योग में, इंडस्ट्री में उसका कैसे उपयोग हो सकता है उसके बारे में, जैव प्रणालियां कौन कौन सी हो सकती हैं, और जो सब प्राण जीव हैं, जो जीवन सहित प्राण जीव हैं उनके बारे में, या किसी उपयोग के लिए उत्पादों, इनसे जो उत्पाद बनेंगे उनका कैसे उपयोग हो सकता है, या उन्हें किस तरह से कन्वर्ट किया सकता है, परिवर्तित किया सकता है, उसकी क्या प्रोसीजर होगी और उसके भी क्या उत्पाद अन्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी और रिसर्च जो है, अनुसंधान जो शब्द है, वो यहाँ 2DA में बताया गया है। 2DA, 2N राज्य जैव विविधता बोर्ड से सेक्शन 22 के अधीन स्थापित राज्य विविधता बोर्ड अभिप्रेत है। यहाँ सेक्शन 22 में स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के बारे में डिसाइन किया गया है, तो यहाँ पे स्टेट राज्य जो जैव विविधता बोर्ड है, राज्य जैव विविधता बोर्ड है, वो सेक्शन 22 में डिफाइन किया है, वो अपन वहीं देख लेंगे। उसके बाद आता है 2NA या 2O पोषणीय उपयोग। पोषणीय मतलब क्या होता है, पोषण, पोषण क्या कहलाता है, पोषण किसे कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व हमको मिलते हैं। आपको देखे होंगे, आपने एड आते रहते हैं कि बच्चों को ये वाला हॉर्लिक्स पिलाओ, ये कॉम्प्लान पिलाओ, या महिलाओं को ये वाला प्रोटीन दो या ये चीजें दो, तो उससे क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, संपूर्ण पोषण मिलेगा, तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी अंदर आती रहेगी, उसके अंदर जो तत्व होते हैं उनकी कोई कमी नहीं हो पाएगी, और कमी नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो उसने कहा पोषणीय उपयोग से जैव विविधता के अवयवों का ऐसी रीति में और ऐसी दर से उपयोग अभिप्रेत है जिससे जैव विविधता का दीर्घकालिक ह्रास ना होता हो, जिसमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की इसकी संभाव्यता को बनाए रखा जा सके। मतलब पोषणीय उपयोग कैसा करेंगे, ऐसा पोषणीय उपयोग करेंगे हम जैव विविधता का, उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसी रीति से, ऐसे अवयवों का ऐसी दर से उपयोग करेंगे जिससे कि वो खत्म ना हो जाए, हम उसका एक लंबे समय तक उपयोग कर सकें और उसका प्रभाव उसके जो जैव विविधता है उसके दीर्घकालिक पतन पे ना पड़े और धीरे धीरे हम उसका उपयोग कर लें, वर्तमान की पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं और संभावना ये रहे कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो खत्म भी ना हो, क्योंकि हम उसका दोहन कर रहे हैं और दोहन स्थिति से करें ताकि उसका नाश ना हो, वो खत्म ना हो जाए। अगला है 2P या 2TA, मूल्य वर्धित उत्पादों। मूल्य वर्धित उत्पाद जो मूल्य का वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं, से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्य करणीय और वस्तुतः अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्भिष्ट हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि मूल्य वर्धित उत्पादों में कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्य करणीय और वस्तुतः अमान्य करणीय माने जो मान्य करणीय नहीं है और
वस्तुतः अपृथक्करणीय, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, रूप में उसके जो भाग हैं या उनके जो तत्व हैं वो उसमें जो समाहित हैं उनके बारे में उन्होंने वहाँ बात की है। अध्याय बाद दो बात करता है जैव विविधता तक पहुँच का विनियमन, जैव विविधता तक पहुँच का विनियमन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन नंबर 3, कतिपय व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव विविधता से संबंधित क्रियाकलापों को ना किया जाना। क्या कह रहे हैं वो, कतिपय व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना, अतः यदि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण जो है, जो ट्रिब्यूनल है, यदि अनुमोदन नहीं करेगा किसी बात का, तो उसके बिना अनुमोदन के जैव विविधता से संबंधित कोई क्रियाकलाप, कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी। भाई तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल है, अनुमोदन के बिना क्या करेंगे वो, जैव विविधता संबंधित कोई क्रियाकलाप का ना किया जाना, मतलब कोई क्रियाकलाप, कोई एक्टिविटी नहीं किया जाएगी यदि उस संबंधित अनुमोदन नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण ने नहीं किया है। 1-3 का क्लॉज 1 कहता है, उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए भारत में पाए जाने वाले किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध जानकारी अभिप्राप्त नहीं करेगा। जैसा कि सेक्शन ने स्पष्ट कर दिया है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, अब उपधारा 2 में पहले देख लेते हैं कौन व्यक्ति निर्दिष्ट है, तो उन्होंने कहा वे व्यक्ति जिनको उपधारा 1 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा वो निम्नलिखित है, वो कौन है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, बी भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम 1961 धारा 2 के खंड 30 में यथा परिभाषित अनिवासी है, जो निवासी नहीं है भारत का, ऐसा निगमित निकाय या संगम या संगठन है भारत में निगमित या राष्ट्रीयकृत नहीं है और तस्मय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या राष्ट्रीयकृत है जिसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है। मान लो कोई ऐसी भागीदारी है, कोई ऐसी निगम है, ऐसी कंपनी है जिसमें कोई गैर भारतीय भी शामिल है, तो ऐसी इनको इसको और जो भारत में निगमित नहीं है ऐसी राष्ट्रीयकृत को और जो भारत का नागरिक नहीं है उनको और जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित अनिवासी है जो भारतीय निवासी नहीं है इन सबको अनुमति लेनी पड़ेगी। वे व्यक्ति जिनको उपधारा 1 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा वो कौन है, वो मैंने बात को नीचे बता दिए। नेक्स्ट आपके सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि व्यक्ति कौन है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, क्लॉज 1 में कह रहे हैं कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो है, जो अपन देखिए अभी कौन कौन है, जो भारत का नागरिक नहीं है और जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अनिवासी है, मतलब भारतीय निवासी नहीं है भारत, और इसके अलावा निगमित या निकाय या संगठन है, जो निगमित है, निकाय है, जो संगठन है या जो एनजीओस है उनको, और भारत में निगमित राष्ट्रीयकृत नहीं है उनको भी, और इसके अलावा यदि कोई ऐसा निगम है या ऐसी कोई कंपनी है जिसके अंतर्गत कोई गैर भारतीय शामिल है तो उन सबको अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा अब अनुमति लेंगे तो क्या करेंगे, निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के नाम, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण है उसकी पूर्व अनुमति, पहले अनुमति नहीं ली है यदि, तो बिना अनुमति के वे कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए अथवा जैव सर्वेक्षण, जो जैव सर्वेक्षण बताया था मैंने आपको, जो बायो सर्वे था वो जैव उपयोग मतलब बायो यूजेज, और भारत में पाए जाने वाले किसी भी जैव संसाधन मतलब जो बायोलॉजिकल हमारे असेस्ट हैं संसाधन हैं या उससे संबद्ध कोई भी जानकारी है जो हमारे पास उसको अभिप्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो उनको सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति वो किससे लेंगे, बायोडायवर्सिटी नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण से। कौन लेंगे अनुमति वो मैंने आपको नीचे बता दिए, ये बात समझ में आ गई। तो सेक्शन 3 में उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जिनको राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी, यदि अनुमति नहीं ली है तो वो कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटीज इस जैव विविधता हमारे जैव संसाधन के उनकी जानकारी के साथ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 4, अनुसंधान के परिणाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कतिपय व्यक्तियों को अंतरित नहीं किए जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट, पहले उन्होंने कहा कर नहीं पाएंगे एक्टिविटी, इसमें कहा उन्होंने कि अनुसंधान के परिणाम जो है, जो एनालिसिस हुई है, जो रिसर्च हुई है, जो ज्ञात हुआ है, उसके जो रिजल्ट आए हैं वो नेशनल बायोडायवर्सिटी जो ट्रिब्यूनल है उसके अनुमोदन के मामले यदि वो अनुमति नहीं देता है तो उन व्यक्तियों को ये अंतरित नहीं किए जाएंगे, ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। वो व्यक्ति कौन होंगे वो अपन देख लेते हैं। कोई भी
भी व्यक्ति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में पाए जाने वाले या भारत में अभी प्राप्त किन्हीं जैव संसाधनों से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों को किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, वही वाली बात आ गई, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको, या भारत का ऐसा नागरिक है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 30 में यथा परिभाषित अनिवासी है, या ऐसे निगमित निकाय या संगठन को जो भारत से रजिस्ट्रीकृत या निगमित नहीं है, अथवा किसी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदार है, धनीय प्रतिफल के लिए या अन्यथा आंतरित नहीं करेगा। धनीय प्रतिफल के लिए माने धनी प्रतिफल मतलब धन के बदले में कोई प्रतिफल मिल रहा है उनके लिए, और अन्यथा आंतरित नहीं करेगा मतलब इसके अलावा भी उसको आंतरित नहीं किया जाएगा। तो जो ऊपर व्यक्ति थे जिनको हम कह रहे थे कि वो इनको कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी, वही व्यक्ति यहाँ सारे के सारे हैं जो भारत का नागरिक नहीं है, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवासी है, जो संगठन भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदार है, तो उन सबको बिना अनुमति के बायोडाइवर्सिटी नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रिब्यूनल के उनको कोई भी ज्ञान हमारा अंतरित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण किया हमने इस धारा के प्रयोजनों के लिए अंतरण के अंतर्गत अनुसंधान कागज पत्रों का प्रकाशन या किसी सेमिनार या कार्यशाला में किसी ज्ञान का प्रसारण नहीं है, यदि ऐसा प्रकाशन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग सिद्धांतों के अनुसार है। मतलब उसने स्पष्ट भी कर दिया कि यहाँ पे यदि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सरकार है, उसने इसमें कोई रोक नहीं लगाई है, उसके मार्ग सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है, तो ये सब प्रयोजन के लिए अंतरण के अंतर्गत अनुसंधान कागज पत्रों का प्रकाशन या किसी सेमिनार या कार्यशाला में किसी ज्ञान का प्रसारण नहीं है। मतलब वो इसको तो ग्रहण कर सकता है, जो अनुसंधान हुआ है उसके कागज पत्रों का प्रकाशन कर सकते हैं, सेमिनार या कार्यशाला में उसके बारे में बात कर सकते हैं, उन ज्ञान का प्रसारण तो वहां किया जा सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है। यदि केंद्र सरकार को लगता है या मार्ग सिद्धांत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ऐसा तो हम कर सकते हैं, वैसा वो कर सकते हैं, तो ऐसा प्रकाशन और ऐसा सेमिनार या कार्यशाला में जो ज्ञान का प्रसारण है उस पर रोक नहीं होगी। बाकी अपना जो ज्ञान जो अन्य चीजें हैं वो ट्रांसफर नहीं की जाएंगी, अंतरित नहीं की जाएंगी, ऐसा इस सेक्शन के माध्यम से कहा।